दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फोटो को सेल करके उससे पैसे कमा सकते हैं। आपका फोटो जितनी बार डाउनलोड होगा उतना बार आपको पैसा मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप फोटो के जरिए पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कमा सकते हैं, और वो भी इतने एक फोटो पर कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, $120 तक मिल सकते हैं आपके एक फोटो पर, अगर वो एक बार डाउनलोड होता है। आप अगर एक बार उसको अपलोड करते हैं तो वो बार बार डाउनलोड होगा, तो उसको हर बार आपको पैसे मिलेंगे, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो आइए शुरू करते हैं हम अब कैसे आप अपने फोटो को सेल करके इनकम कर सकते हैं। देखिए, गूगल में सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, सेल फोटोस ऑनलाइन। गूगल में आप ये लिखिए और यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप लिखेंगे सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगा submit.shutterstock.com, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ submit.shutterstock.com, ये आप डायरेक्ट लिंक बार में भी लिख सकते हैं। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस submit.shutterstock.com पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद में यहाँ देखिए, मैं एक आईडी पहले से बना के रखा हूँ, लेकिन मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, मैं एक नया आईडी बनाने वाला हूँ। चलिए यहाँ देखिए, जब आप submit.shutterstock.com पे जाएंगे तो साइन अप का यहाँ ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, हम इस पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम न्यू हैं। अब यहाँ पे हमसे हमारा फुल नेम मांग रहा है, डिस्प्ले नेम मांग रहा है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। चलिए हम यहाँ फुल नेम में क्या देंगे, अपना नाम देंगे। मैं अपना नाम देता हूँ इकबाल अंसारी, और ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल देता हूँ, और उसके बाद पासवर्ड देता हूँ। देखिए पासवर्ड में थोड़ा आपको देना होगा, पहले लेटर देना होगा, उसके बाद आप नंबर देंगे तभी पासवर्ड लेगा। तो चलिए मैं कोई पासवर्ड रख लेता हूँ। अब ये सारे निशान ग्रीन हो गए, साइन हो गए, सब ओके है। और यहाँ पे आपको चेक लगाना है I certified that I am 18 और ओल्डर, आप 18 साल के ऊपर हैं, ये आपको बताना होगा। और आई एग्री टू टर्म्स एंड सर्विस, आप इसके एग्रीमेंट से सहमत हैं, ठीक है। चेक लगाकर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मेल बॉक्स में एक मेल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब लिख रहा है कि प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। चलिए हम अपने ईमेल आईडी पे चलते हैं और चेक करते हैं कौन सा मेल आया है। प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल, हम इस पे क्लिक करते हैं और अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया मैंने। शटर स्टॉक को अपने आईडी को मैंने कम्प्लीटली एक आईडी बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पे बता रहा है थैंक यू योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं, हमें ये दोनों ऑप्शन को छोड़ देना है, फुटेज वेक्टर इलस्ट्रेशन, ये ऑप्शन को छोड़ के हमें फोटोस वाले ऑप्शन पे आना है। फोटोस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, प्लीज अपलोड 10 JPEG फोटोस विद एट लीस्ट 4 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, यानी कि 4 मेगापिक्सल का आप अपने सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश कीजिए यहाँ कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, ये आपको रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दिखा रहा है, अपलोड योर फोटोज फॉर रिव्यू, ये पहले रिव्यू करेंगे, यानी ये अपने वेबसाइट में कोई भी कचरा तो नहीं भर सकते है ना, आप जो चाहे जहाँ से मर्जी उठा के कचरा भर दी इनकी वेबसाइट पे, इनका भी टाइम वेस्ट करेंगे उनका भी, और आपको ऐसे पैसे तो फ्री में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पहले 10 अच्छे अच्छे पिक्चर्स जो कि सिलेक्ट हो जाए, हाँ आपको लगे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इमेजेस आप देख सकते हैं, ये इमेजेस आप देख सकते हैं बाईसाइकिल पर, इस तरीके से कुछ इमेजेस आप खींच सकते हैं अपने कैमरे से, अपने अच्छा मेगापिक्सल का हो तो उसके जरिया। तो चलिए यहाँ पे वो तो खैर बात रही, अब यहाँ पे चलिए देखिए गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एक नया पेज पे हम जाएंगे। देखिए अगर आप रजिस्टर कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे शुरू नया आईडी जब आप बना रहे थे, तो आपको उस टाइम पे अपना रियल नेम देना होगा, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वही नाम आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा ताकि वो वेरीफाई करें कि वो इंसान आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रहा सबसे ऊपर, देखिए ड्रैग फाइल और क्लिक ब्राउज, यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स पहले वाले ऑप्शन पे, यहाँ पास हमारे पास दो ऑप्शन है अपलोड करने के, पहले वाले ऑप्शन में हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना डॉक्यूमेंट्स जो है एक अपलोड करता हूँ, मैंने जो कि पहले से मौजूद रखा है, ये रिव्यू में, ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, ये ऐसे ही देखिए ये अपलोड हो चुका है।
और उसके बाद यहाँ पे दो नंबर पे देख रहा है 10 इमेजेस जिसकी मैं बात कर रहा था वो लोग रिव्यू के लिए जो मांगेंगे। चलिए ब्राउज पे क्लिक करते हैं और मैंने फोटोज तैयार करके रखा है, ये देखिए ये है, ये मैंने 10 फोटो तैयार करके रखा है। फोटो कैसी है मुझे तो नहीं मालूम, आपको पसंद आए या ना आए मुझे नहीं मालूम, उन लोगों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 10 फोटोज तो तैयार करके रखा। आप इसको अपलोड कर दिया सारे को सिलेक्ट करके। इस तरीके से आप देखिए मैंने अपने तमाम जो फोटोज हैं जो मैंने एडिट करके बनाए हैं या फिर जैसा भी ये आपको देखने के लिए बनाया है। वैसे मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, वैसे हर कोई अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, सिर्फ अच्छा सूट चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कई बार कि जब फॉरेन कंट्री से कुछ लोग आते हैं हमारे कंट्री के इमेजेस खींचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं ये यहाँ के हमारे माहौल की या एक यादगार के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन नहीं, असल में वो लोग फोटो सेल करते हैं और वो लोग भारी कीमत पे सेल करते हैं क्योंकि उनका कैमरा अच्छा होता है और वो अच्छी फोटोज ले जाते हैं इंडिया से खींचकर और उसे भारी कीमत पे सेल करते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया, फर्स्ट में तो यहाँ पे अपना आईडी अपलोड किया है, आईडी आप देख सकते हैं इस पे मैंने अपना आईडी अपलोड किया और उसके बाद दो नंबर पे अपने 10 फोटोज अपलोड किया। अब उसके बाद यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मुझे बता रहे है क्या एरर, क्या बता रहे है, वन और मोर ऑफ योर इमेजेस इज लेस देन 4 मेगापिक्सल प्लीज रिमूव दिस इमेज। अब कौन सा इमेज मेरा जो है 4 मेगापिक्सल का नीचे है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे 4 मेगापिक्सल के फोटोज को लेकर के तो आपको एक मैसेज आएगा थैंक यू फॉर सबमिट योर फोटोज वी विल रिव्यू इट। तो आपको एक दिन दो दिन वेट करना पड़ेगा और फिर दूसरे दिन आपको अपनी आईडी में लॉग इन होना पड़ेगा। अगर आपका फोटो वेरीफाई हो जाता है तो आपके फोटो से पैसे कमाने के लाइक हो जाएंगे आप और ये वेबसाइट आपको कुछ पैसे लेकर के आपको देगा, जैसे कि 80% आपको देगा, सिर्फ ये 20% रखेगा। जहां हर जगह होता है ये कमीशन, तो इस वेबसाइट तो ये जो लोग आपको रिव्यू करेंगे ये तो ऐसे ही रिव्यू नहीं करेंगे आपको, ये ऐसे खाली तो नहीं बैठे, इनका भी तो कुछ इनकम होना चाहिए, तो इसलिए ये 20% लेंगे और जो भी जो वो इमेजेस खरीदेगा उसका 80% आपको मिलेगा। आइए मैं इसके कुछ आपको स्टेटस दिखाता हूँ कि ये फोटो कैसे सेल होता है। मैं गूगल ओपन करता हूँ और गूगल में मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिख के इमेजेस सर्च करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो इमेजेस सर्च किया है तो आप देख सकते हैं ये इमेज को, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगो लगा हुआ है व्हाइट कलर का, क्योंकि इसलिए लगा हुआ कि आप इसको यूज ना कर सके, आपको इसे खरीदना पड़े। अब मैं आपको इस इमेज को जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें भी बीच में कुछ लोगो लगा हुआ है, तो सेम यही चीज आपके फोटो के साथ होने वाला है। देखिए इस बॉय के पास भी नाम दिया हुआ है गेट्टी, जैसे कि शटर स्टॉक मैंने आपको दिखाया, वैसे ये कोई वेबसाइट है जो सेल कर रही इस इमेजेस को, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके खरीदना पड़ेगा ताकि ये जो लोगो लगा हुआ है वो हट जाए। उसके बाद और थोड़ा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही लगा हुआ है गेटी मैगेस, देख सकते हैं आप इस इमेज में भी, इस इमेज को भी आप प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज में, ये लोगो आ जाएगा, तो इसको आपको खरीदना होगा पैसे दे करके।